अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़रनक सिद्धवा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ। आज हम मज़ेदार सी ये कैंडी जो हम कल भी इस्तेमाल कर चुके थे इन द चॉकलेट मूस, इतनी कलरफुल लग रहा था मेरा डिज़र्ट, चॉको फोर बाय हिलाल क्रंची चॉकलेटी बीन्स, 10 रुपये का पैकेट है, नाइस लवली, मैंने भी खाए थे थोड़े से इन द ब्रेक। उससे हम कुकीज़ बनाना सिखाएंगे, बच्चों को ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, ज़रूर आप भी ट्राई करिएगा और ये सारी रेसिपीज़ का फ़ायदा उठाइएगा। सेकंड एक और चॉकलेट की चीज़ है जिसमें हम चॉकलेट आमंड क्लस्टर्स बनाना आपको सिखाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ चॉकलेट को पिघलने के लिए रख दिया है। ठीक है जी, इसको बंद कर देते हैं बिकॉज़ फिर ये बहुत गर्म हो जाएगा। ओके ठीक है, ये हो गया, ये देखें अच्छी क्वालिटी की चॉकलेट होगी, उसको चॉप करके आप डबल बॉयलर में रख देंगे ना तो नीचे से उसको हीट लगती रहेगी और ये पिघल भी जाएंगे थोड़े से जो पीसेस हमारे अभी नहीं हुए हैं। कुकीज़ पे आ जाते हैं जिसमें हम हिलाल की ये कैंडी इस्तेमाल कर रहे हैं, 1.5 कप जितनी हम कैंडी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और 1 कप मक्खन है, 1.5 कप ब्राउन शुगर है, 2 अदद अंडे हैं, 2 टीस्पून हम वेनिला एसेंस के डालेंगे, 2 और 1/4 यानी 2.25 कप हम मैदा छान के डालेंगे, 1/4 टीस्पून इसमें नमक जाएगा और 1/2 टीस्पून है बेकिंग पाउडर का। ये सारी चीज़ें हम मिक्स करेंगे, छोटे बॉल्स बनाएंगे, उनको फ्लैट कर देंगे और उनको स्प्रेड करके ट्रे पर रख देंगे, उसके ऊपर फिर हम ये डालेंगे हिलाल की चॉको फोर। ठीक है, तो ये बच्चों की बर्थडे पार्टीज़ के लिए आपको बहुत ऐसी रेसिपीज़ काम आएंगी बिकॉज ये कलरफुल होती हैं और इसमें इस तरह की कैंडी हो तो उनको बहुत अच्छी लगती हैं। इस डो को आप पूरा आधा आधा करके आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, ठीक है, आप आधा रख दीजिए फ्रिज में, आधा रख दीजिए फ्रीज़र में, फिर फ्रिज में से निकालिए और जितने भी आपको कुकीज़ बनाने हैं बनाइए, फ्रीज़र का आप बाद में भी बना सकते हैं। दीज बेसिक डोज फ्रीज वेरी वेल, ठीक है, तो आप भी घर जब भी बनाएं तो याद रखिएगा कि अगर बहुत सारी आपको कुकीज़ लग जाएँ बिकॉज इससे 1 कप मक्खन से 2 अदद अंडों से काफ़ी सारा बैटर बन जाता है। अब इसमें आप चॉकलेट चिप्स डालना चाहें, कोई नट्स डालना चाहें इन चॉकलेट्स के अलावा, चॉको फोर की चॉकलेट्स के अलावा, तो आप वो भी डाल सकते हैं, ठीक है, रेजिन्स किशमिश डाल सकते हैं आप धो के, आप सुखा के वो भी डाल सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। आज की तीसरी रेसिपी भी है, बालसामिक ड्रमस्टिक्स हम बनाएंगे जिसमें हम डिपिट का सोया सॉस डालेंगे। सो लेट मी फिनिश बोथ माय डिजर्ट्स और फिर उस पे आ जाते हैं। ये 1 कप फीका अनसॉल्टेड मक्खन है, डेयरी में से मैं लेके आती हूँ बहुत सारा मक्खन और उसको फ्रीज़र में रख देती हूँ, फिर थोड़ा थोड़ा करके निकालिए और इस्तेमाल करिए। 1 अदद मक्खन इस्तेमाल करना होता है दिन में, तो मैं रात में ही उतार के रख देती हूँ विंटर में स्पेशली, फिर वो अच्छा सा नरम हो जाता है। इसको बीट करेंगे, इसमें हम ब्राउन शुगर डालेंगे, ठीक है, ब्राउन शुगर डालिएगा इन कुकीज़ में, इट एड्स टू द चुईनेस एंड फजीनेस, ब्राउन शुगर, ठीक है, आप हाफ हाफ भी कर सकते हैं, सफ़ेद चीनी ब्राउन शुगर हाफ हाफ भी कर लिए। एक एक अंडा डालेंगे एक के बाद एक, पहले एक डाला मिक्स किया फिर दूसरा डालिए, साइड में जो भी चीज़ें रह जाती हैं बोल में उनको अंदर इनकॉर्पोरेट करना लाजमी है, ज़रूरी है, इस तरह आप कर दीजिएगा ताकि अंदर अच्छी तरह ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं, ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे चुटकी भर नमक, मैदे में ही डाल देते हैं, और बेकिंग पाउडर और वेनिला एसेंस, सब कुछ मिक्स कर दीजिए। प्रेफरेबली आपके पास टाइम हो तो इस डो को आप आधा 1 घंटा फ्रिज में रख दीजिएगा। लो स्पीड पे मिक्स कर दीजिएगा ताकि अच्छी तरह मैदा मिक्स हो जाए, बोल को टर्न करते जाइएगा इस तरह।
अब हम क्या करेंगे, मेरे पास यहाँ सिलिकॉन के लाइंड ट्रेज हैं, सिलिकॉन मैट के लाइंड ट्रेज हैं, यानी कि ये वाले जो हमेशा मैं इस्तेमाल करती हूँ, उसको रखेंगे। एक एक स्कूप डो का लेंगे, उसको रखते जाएंगे, थोड़ा सा फ्लैट करेंगे, इस पर फिर ये चोकोफोर डाल के बेक करने रख देंगे। वेरी सिंपल। इस डो को आप फ्रीज़र में बहुत अच्छा रह जाता है। मैं इसमें से एक्सेस जो ये है डो वो निकालती हूँ। इस स्टेज पे डो बहुत सॉफ्ट है, इसका मक्खन दोबारा ठंडा करना ज़रूरी है टू इंश्योर कि आपकी कुकीज़ क्रिस्प बने, मज़े की बने। तो हम ऐसे करते हैं, इसको मिक्स करके रखते हैं। आप लोग लीजिए ब्रेक, ब्रेक से आएंगे तो फिर हम मैट्स पे रख देंगे और चोकोफोर उसके ऊपर रख के अवन में रख देंगे। सो स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग फूड डायरीज। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इसको, आई वाज जस्ट वेटिंग कि आप लोग आएंगे तो मैं हिलाल की चोकोफोर को एक बोल में खोल के डाल दूं ताकि मेरे लिए भी आसानी हो टू पुट देम ऑन आवर कुकीज। कलरफुल एंड लवली, ज़रूर आप भी घर लाइएगा, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। डो जो हमने बनाया था कुकीज़ का, उसमें बस आप लेते जाइए, बिकॉज ये डो अभी सॉफ्ट है, आप इसको प्रेस डाउन कर सकते हैं, बट जब हम बेक करेंगे इसको वैसे भी ये हो जाएंगे, ठीक है। सो व्हाट यू कैन डू इज़, कांटा अभी लगाऊंगी तो चिपक जाएगा, बिकॉज डो ऐसे कर दीजिएगा टू मेक श्योर कि वो अंदर चले जाएं, ठीक है। बहुत फ्लैट मैं नहीं कर रही, बेक होगा खुद ही हो जाएगा। जस्ट मेक श्योर दैट एक ही साइज़ के हों, काफ़ी सारे बन जाते हैं जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था इस डो से। So you can freeze half the dough and you can put half of it in the oven. Basic cookie ka ye dough hai, zarur try kariyega. Ho gaya, nice and colorful. Chaliye, ab main isko oven mein rakh deti hu, but I'll just press them down a bit. ओके जी, चले। ओके, अब हम जरा हाथ धो लें, फिर नेक्स्ट रेसिपी पे आ जाते हैं। चॉकलेट एंड आमंड क्लस्टर्स, क्लस्टर्स का मतलब होता है इस तरह पूरा बड़ा सा। सो उसके लिए मैंने यहाँ पेटी फोर केसेस रेडी करके रख दिए हैं। ये छोटे से इस तरह के मिनी मफिन्स के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी कन्फेक्शनरी बनाएं, छोटा छोटा बाइट साइज, दीज आर अवेलेबल या। अब मैं क्या करती हूँ, मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि मेरे पास यहाँ है बादाम। अब ये बादाम आपको अंदर से ऐसे डिफरेंट क्यों लग रहा है, कलर थोड़ा सा कलर चेंज क्यों है, इसलिए कि मैंने अवन में 10 मिनट रख के उसको रोस्ट कर दिया था। कोई भी नट्स आप चॉकलेट्स में डालें, किसी भी चीज़ में वैसे डालें, अवन में तो वो बेक हो जाएगा ना अगर आप बेकिंग में डाल रहे हैं, लेकिन चॉकलेट्स में आपने क्या करना है, चॉकलेट पिघला के 8 ounces मैंने यहाँ रख दी है। ये देखें, स्मूथ सी होनी चाहिए, बहुत गर्म नहीं होनी चाहिए, एकदम ठंडी भी नहीं कि मिक्स ना हो। उसमें आपने 1 से 1.5 कप बादाम लिए, अगर सॉल्टेड हैं तो बहुत ही मज़े का लगेगा कि मुँह में थोड़ा सा नमकीन टेस्ट भी आ रहा है, और आपने इसमें डाल दिया, बस डाल दिया, मिक्स मिक्स मिक्स। इसको मैं हटा देती हूँ यहाँ से। गर्म पानी है जिसमें हमने ऊपर बोल रखा था, जिस मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। अब आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए, इसमें आप और कुछ भी डालना चाहें डाल सकते हैं, एनीथिंग एल्स, ठीक है। और चॉप किया है मोटा मोटा, अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, जस्ट फिल देम अप, बस इतना आसान। और इसको फिर आपने फ्रिज में या फ्रीजर में रख देना है, जब जब ये जम जाएगा तो आप ये इसको पील करेंगे, ऐसे करके चॉकलेट खा लेंगे, है ना, इतना आसान। जो शेप होगा ना आपके उसका पेटी फोर केस का, वो शेप की ये चॉकलेट हो जाएगी। जिन लोगों के पास चॉकलेट के मोल्स नहीं है ना, उनके लिए ये बेहतरीन रेसिपी है। अब आप बनाइएगा, प्लीज़ ट्राई करिएगा। लाहौर से रिजवान है, उनसे बात करते हैं। जी हेलो,
अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आपके सामने फरमाइए। मैंने कहा कि आज आप बासमती ड्रमस्टिक्स बना रही है ना जी, मैंने वो पहले चाय पी ली है। आप मुझे रोज यही बोलते हैं। मैंने वो इस वीक में ऐसे ही हो रहा है, जो चीज मैंने बनाई होती है इस पास से आप ही वही बनाती है। अच्छा जी, वाह भाई क्या बात है। मैंने आपके शो पे आना है। आइए ना लाहौर से, जब आए तो आ जाइए। लेकिन जब आप बात करती है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। आप नोटी नोटी बातें करती हैं। अच्छा अच्छा, मैं नोटी हूँ? मैं तो नोटी ही हूँ, क्या करें। हाँ जी, फिर ऐसे नोटी नोटी रहना चाहिए तो ही दिन गुजर जाएंगे अच्छे अच्छे जिंदगी के ना। हाँ जी, आपके शो में जब भी बंदा बात करता है या आपको देखता है ना तो वो खींचती रहता है हमेशा। अच्छा अच्छा, क्या बोल रहे हैं आप। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, आप लोगों का प्यार है, थैंक यू सो मच। हमें क्या चाहिए आप लोगों के प्यार और दुआओं के अलावा। ये देखें, ये अभी आपको लगेगा कि ये पिघली हुई है, पिघली हुई चॉकलेट जब जमेगी ना, यमी यमी। अभी मैं रख दूँ इसको फ्रिज में, कितने सारे इससे भी बन जाएंगे। अभी मैं बनाती हूँ और भी। उप्स, 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 इसको देखें, किसने नज़र मार दी, किसी को खानी होगी ये। अब जहाँ जहाँ हमको लगे ना कम कम है वहाँ वहाँ हम थोड़ी थोड़ी डाल देंगे। ओके, अब मैं इसको ऐसे के ऐसा ही फ्रीजर में रख देती हूँ, ठीक है। फिर निकालेंगे, फिर और बना देते हैं थोड़ी सी। किसी भी प्लेट पे या किसी भी ट्रे पे रखिएगा ताकि आसानी से आप इसको उठा सकें, क्योंकि जब ये पिघली हुई होगी ना तब आप इसको उठा नहीं सकेंगे। ये फॉइल के भी छोटे वाले मिलते हैं, अगर आपको इस तरह के कलरफुल नहीं इस्तेमाल करने हैं। बेक सेल होते हैं स्कूल में, बच्चों को ये दें, खुद बनाएं, जो भी फिलिंग करना हो इसके ऊपर। इनफैक्ट आप ये चोको फोर भी लगा सकते हैं, इतनी कलरफुल लगेंगी। चलें कुछ वो करते हैं, जैसे जैसे मैं बनाती हूँ ना वैसे वैसे मुझे आइडियाज आते रहते हैं। क्लस्टर्स का मतलब होता है अनइवन चॉप किया हुआ जो भी आपको अंदर डालना हो, अखरोट भी हो सकता है, किशमिश हो सकती है, कुछ भी। आजकल सॉल्टेड कैरमल का बहुत फ्लेवर इन है तो आप वो भी डाल सकते हैं, चुटकी भर ऊपर से एक छोटा सा ड्रॉप कैरमल का, सॉल्टेड कैरमल का, ठीक है। हम भर दें, ठीक है, सब हो गया। अब चलें इस पे हम नाइस एंड कलरफुल, क्या ख्याल है। ये बच्चों के पार्टीज के लिए तो बेहतरीन आइडिया है। हिलाल ने चोको फोर की सूरत में आसानी कर दी, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट डू? वी टेक अ ब्रेक, ठीक है। हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, क्लीन अप करते हैं, बालसामिक ड्रम स्टिक्स बनाएंगे। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए और देखते रहिए फूड डायरीज। वेलकम बैक। अब मैं बस वेट कर रही थी कि ये हो जाएं कुकीज, तो आपके सामने दिखा देते हैं निकाल के। और ठीक, वहाँ ले आती हूँ कुकीज। एक ही साइज के आप बेक करते हैं जब आप यूज करते हैं कुकी का स्कूप या आइसक्रीम स्कूप, तो देखें बिल्कुल एक साइज के हुए हैं। एंड चोको फोर के जो मज़ेदार से कैंडीज हैं वो भी कितने अच्छे लग रहे हैं। आप इनको जस्ट फॉर अ मिनट रखिए ऑन द ट्रे जहाँ बेक किया है आपने, और फिर जाली पे रख दीजिए प्लीज़,
जाली पे निकालना बहुत ज़रूरी है, कुकीज़ हों, कपकेक्स हों, केक्स हों, जो कुछ भी हो, केक्स को तो ज़रा टाइम दीजिएगा, फ़ौरन नहीं निकालिएगा, केक्स टूट जाते हैं। लेकिन इसको ना आपने कैसे पता चलेगा आपको कि कुकी हो गई है, बीच में से यहाँ से थोड़ा सा सॉफ्ट होती है, साइडों से हो गई होती है, तो आप इसको आराम से ऐसे करके उठाएंगे, ये हिलेगी, जब आपको लगे कि ये हिलना शुरू हो गई इसका मतलब है कुकीज़ आर रेडी। क्योंकि केक्स वगैरह में तो हम स्कूअर डाल के चेक करते हैं ना, इसमें पता नहीं चलता है, तो जब ऐसे करके कुकी हिले इसका मतलब है इट्स डन। अब आप इसको फ़ौरन जाली पे रखेंगे, इसलिए कि जाली पे नहीं रखेंगे तो क्या होगा कि ये सौगी हो जाएंगी, इनको ठंडा ट्रे पे नहीं करिएगा। और ये सिलिकॉन मैट बहुत अच्छी चीज़ है इस्तेमाल करने के लिए, अगर आप बहुत ज़्यादा बेकिंग करते हैं मेरी तरह, तो आप एक दफ़ा इन्वेस्ट करिएगा और आप बेकिंग सप्लाई स्टोर से मिल जाती हैं, ठीक है। और वो जो हमने चॉकलेट एंड आमंड क्लस्टर्स बनाए थे वो सेट भी हो गए। अच्छी चॉकलेट इस्तेमाल करेंगे, आराम से पिघलेगी, अच्छी चॉकलेट होगी तो आराम से दोबारा सेट भी हो जाएगी, ये याद रखिएगा, इट्स अ वेरी सिंपल रूल। अच्छी कोई चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर है जो एंड प्रोडक्ट होगा, जो आपकी रेसिपी होगी वो अच्छी ही बनेगी ना। इस मैट को ठंडा कर देते हैं, फिर धो देते हैं, रोल करके हम कैबिनेट पे रख देते हैं, फिर दोबारा इस्तेमाल करते हैं। सोचें पेपर कितना बचता है इससे, वरना लोग नीचे पार्चमेंट पेपर लगाते हैं, ग्रीस प्रूफ पेपर लगाते हैं, बाज़ वक्त वो पेपर जल जाता है, नीचे चिपक जाता है, व्हाटएवर, इसमें कोई मसला ही नहीं है। इसलिए जो मैं बरसों से मैं यूज़ कर रही हूँ, ये यही वाले धो धो के इस्तेमाल करें। चलें ये हो गया, अब हम क्या करते हैं इसको तो जाली पे यहाँ छोड़ देते हैं ताकि ज़रा थोड़े से ठंडे हो जाए। ओके नाउ आई शो यू दोज एज वेल, वो भी दिखा लेते हैं, फिर चिकन पे आते हैं। ये देखें ये क्लस्टर्स जो आपके सामने मैंने बनाए ना, ये देखें जम भी गए। अब आप खाने के टाइम पे ऐसे करके निकालेंगे और ऐसे करके रखेंगे, ठीक है, ऐसे लग रहा है छोटे छोटे कप्स हैं। चलो इसको दोबारा फ्रिज में रख देते हैं। अच्छा इसके ऊपर अगर आपको कुछ डेकोरेशन करना है, प्लेन लग रहे हैं तो फ्लेक्ड आमंड्स या स्लिवर्ड आमंड्स होते हैं ना, छिलका उतरा हुआ, लंबाई में कटे हुए या बिल्कुल पतले पतले कटे हुए, वो आप एक सेट हो उससे पहले रख दीजिएगा, जिस तरह मैंने ये चोकोफोर रखा था ना कुछ पे, हम जब डेकोरेट करेंगे तो आपको समझ आएगा। ओके नाउ लेट्स कम टू आर बाल्सामिक ड्रम स्टिक्स, जिसमें हम यूज़ करने जा रहे हैं डिपिट का सॉस, सोया सॉस। यहाँ है मेरे पास तिल, सफ़ेद तिल लीजिएगा, और हमेशा की तरह आप लोगों को मैं कहती हूँ कि सफ़ेद तिल को कभी भी ऐसे कच्चा नहीं डालते हैं, हमेशा टोस्ट करके डालते हैं। टोस्टेड होंगे, क्रिस्पी से, मज़ेदार से, गोल्डन होंगे, तो अच्छा एक बाइट आएगा। अब दूसरे अज्जा क्या क्या हैं इसमें, आधा कप बाल्सामिक विनेगर है, ये वाला सिरका जो होता है, ठीक है, ये वही वाला सिरका है जो ऑलिव ऑयल के साथ आपको रेस्टोरेंट्स में मिलता है, डबल रोटी डिप करें ऑलिव ऑयल में और बाल्सामिक विनेगर में, ये वो वाला है, ठीक है। आधा कप बाल्सामिक विनेगर है, आधा कप शहद है, उसके अलावा एक चौथाई कप हम डालेंगे सोया सॉस का डिपिट का, आधा कप ब्राउन शुगर है, पाँच लहसुन के जवे थे चॉप मैंने कर दिए हैं, चिकन के ड्रमस्टिक्स हैं आधा किलो, दो चमचे आप लीजिएगा टोस्ट किए हुए सफ़ेद तिल, और पार्सली या धनिया जो भी अंदर मिक्स करने के लिए, और इसका जो मज़ेदार सा एक टेस्ट आएगा वो आएगा रोज़मेरी से। ये है रोज़मेरी, ऐसा लगेगा कांटा कांटा जैसा एक हर्ब है ड्राई किया हुआ, ठीक है, ये ड्राई फॉर्म में है, मिलता है आपको आसानी से यहाँ, बहुत अच्छा इसका एक अपना टेस्ट आता है। आप रोज़मेरी रोस्टेड चिकन बनाएंगे वो भी बहुत अच्छा रहेगा। अब हमने इसको टोस्ट करते रहना है, अब आप सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। अब ये है बात कि मेरे पास ऑब्वियसली यहाँ देयर इज़ नो टाइम टू वेट फॉर मैरिनेशन, राइट, तो मैं हर चीज़ एक बोल में डाल के मिक्स करके फ़ौरन उसको पका लूँगी। आप चिकन को मैरिनेट करके चार छः घंटे छोड़ दीजिएगा। सो सब कुछ डालना शुरू कर देते हैं, ब्राउन शुगर है यहाँ, फिर बाल्सामिक विनेगर है, शहद है, कुछ लोग शहद बिल्कुल एंड में डालते हैं वरना वो जो चीज़ पक रही होती है वो जल्दी डार्क हो जाती है, जल जाती है, काली हो जाती है। लहसुन है, मैं आज क्रश करके नहीं, ऐसे चॉप मोटा मोटा चॉप किया हुआ है। अब आप इसमें नमक डालेंगे, लेकिन बिकॉज सोया सॉस है इसमें रिपिट का, बहुत ज़्यादा नमक नहीं, पहले रोज़मेरी जाएगा और
डिप इट का सोया सॉस, शेक शेक शेक. जब भी कोई सॉस इस्तेमाल करें तो हमेशा उसको शेक करते हैं. और आपने इसमें ये डाल दिया, हर चीज़ आपने मिक्स करनी है. कैनोलिव ऑयल बेहतरीन तेल है, भी घर लाइएगा, इस्तेमाल करिएगा. इसको हम गरम करते हैं. पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन हैज़ अप्रूव्ड दिस ऑयल, तस्दीक शुदा है उनसे. ठीक है, आप भी घर लाइए, इस्तेमाल करिए, फ़ायदा उठाइए. डाइट पे हो तो दिस इज़ द बेस्ट ऑयल, कोई इसमें आफ्टर टेस्ट भी नहीं है. इसकी खुशबू आ रही है. अब जब इसकी खुशबू आने लगे ना सफ़ेद तिल की, तो उस वक्त उसको बंद कर देते हैं और उसको निकाल देते हैं, वरना वो काला हो जाता है. यहाँ रख देते हैं इसको, तो एंड में ऊपर से हम छिड़क देंगे. सादिया हैं लाहौर से, उनसे बात करते हैं. जी हेलो. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं आप. बहुत शुक्रिया. अच्छे से चीज़ों को साफ करती हैं, ये बात मुझे आपकी बहुत अच्छी लगती है. थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया. हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है, ऐसे ही हमें सिखाते रहे और अल्लाह ताला आपको और कामयाबी. थैंक यू, बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी एंड मेकिंग माई डे. थैंक यू सो मच. ओके, सब कुछ मिक्स कर दिया हमने. बालसामिक विनेगर था, डिपिट का सोया सॉस था, लहसुन, शहद और रोज़मेरी, नमक, ब्राउन शुगर. ठीक है, ये अच्छी तरह मिक्स करके आप चिकन के ड्रम स्टिक्स हैं, ये लेग्स लें, ड्रम स्टिक्स लें, ब्रेस्ट लें, थाई पीसेस लें, बोनलेस थाई करवा लीजिए, वॉट एवर. ये सब कुछ आपने मिक्स करना है ऐसे अच्छी तरह. और तेल आपने गर्म किया है कैनोलिव, उसमें आपने पका लेना है. अब इसको आप मैरिनेशन का टाइम देंगे ना, तो अंदर तक पूरा ये सॉसेस का और सब चीज़ों का टेस्ट भी तो जाएगा ना. हम फौरन फौरन पकाएंगे. वेरी सिंपल, वेरी इजी रेसिपी. ऐसी रेसिपीज़ भी होनी चाहिए जो दावत में, अगर आप बिज़ी हों या फिर आगे रमज़ान आएंगे, ईद आएगी, तो आप इसको मैरिनेट करके छोड़ दीजिए, फिर जब आपको पकाना है निकालिए और पकाइए. ऐसी भी चीज़ें होनी चाहिए जो इतनी आसान हो. ठीक है, एंड में इसमें क्या जाएगा जी? सफ़ेद तिल और धनिया या पार्सली. बस सिंपल सिंपल सिंपल. अब ऐसे करते हैं, हम ब्रेक की तरफ चलते हैं. कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए और देखते रहिए फूड डायरीज. वेलकम बैक, आप देख रहे हैं फूड डायरीज. और अगर आप टेबल पे देखेंगे तो मैंने जो छोटे छोटे चॉकलेट आमंड क्लस्टर्स बनाए थे वो मैंने सजा के यहाँ रख दिए हैं, विथ सम ऑफ देम हैव चोको फोर ऑल्सो ऑन टॉप. और जो कुकीज़ बनाए थे, बहुत आसान रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा. ये बहुत मज़े के बनते हैं और जब आप उसको खाएंगे तो बेस्ट पार्ट इज़ के जो बादाम है वो रोस्ट किए हुए हैं, तो उसमें एक अपना अलग एक टेस्ट होता है. ठीक है, ज़रूर ट्राई करिएगा. कमिंग बैक टू अ रीकैप, बालसामिक ड्रमस्टिक्स का आधा कप मैंने बालसामिक विनेगर लिया था. ठीक है, नहीं हो तो प्लीज़ सफ़ेद सिरका नहीं डालिएगा, फ्रूट विनेगर डाल दीजिएगा या बालसामिक विनेगर आपको मिलता है आसानी से. आधा कप उसमें मैंने शहद डाला था, आधा कप ब्राउन शुगर था, एक चौथाई कप जितना आप डालेंगे सोया सॉस डिपिट का, एक चमचा भर के रोज़मेरी था, आधा किलो चिकन के ड्रम स्टिक्स थे और दो टेबल स्पून मैंने तिल लिए थे. ठीक है, चले ये हो गया. तिल को मैंने टोस्ट किया है फ्राइंग पैन में डाल के और मैंने धनिया या पार्सली के साथ उसको सजाना है. बहुत थोड़ा सा पानी डाला था मैंने. अब इसकी आँच में थोड़ी तेज़ करके ढक्कन ढांक देती हूँ ताकि चिकन ड्रमस्टिक्स इसमें हो जाएं. हलक में कुछ चला गया नहीं, आई एम ओके. कोई फ़ोन्स हो तो मिला लीजिएगा. ठीक है, ओके. सेमी स्वीट चॉकलेट हमने 8 ounces ली थी चॉकलेट आमंड क्लस्टर्स में और 1.5 cup रोस्ट किए हुए थोड़े से नमक डले हुए बादाम थे. बस बादाम को रोस्ट करिए अवन में या फ्राइंग पैन में, चलाते रहिएगा पैन कि वो लग ना जाए. फिर चॉप अप कर दीजिएगा मोटा मोटा, क्योंकि क्लस्टर्स में चाहिए हमें, बारीक नहीं चाहिए.
और उसके बाद मैंने उसमें पिघली हुई चॉकलेट डाली, मिक्स किया, छोटे केसेस में सेट कर दिया। आप देखें 15 मिनट में सेट भी हो गया, ठीक है। ज़रूर इसी तरह बनाइएगा और ट्राई करिएगा। ये हो गया बालसामिक ड्रमस्टिक्स, मैंने समझा दिया आपको। और कुकीज़ जो हमने चोकोफोर इस्तेमाल किया था, एड्स टू द कलर एंड ऑफ कोर्स बच्चों को कितना पसंद आएगा। आप बहुत भर भर के भी डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, मैंने से अबाउट 2-3 पैकेट्स यूज़ किए थे ये चोकोफोर के, हिलाल की जो कैंडी है, चॉकलेट कवर्ड कैंडी। एक कप मक्खन था उसको बीट किया, 1.5 कप ब्राउन शुगर डाली मैंने, 2 टीस्पून वेनिला एसेंस डाला, 2 अदद अंडे डाले, 2 और 1/4 कप मैदा था, 1/4 टीस्पून नमक था और 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर था। सब कुछ मिला दीजिएगा, मिक्स कर दीजिएगा, 1-1/2 घंटा फ्रिज में रखिएगा, फिर निकालिएगा स्कूप से और आप स्कूप करके रख दीजिएगा, तो फिर बहुत बेहतरीन सी मज़ेदार कुकीज़ बनती हैं। लेकिन कुकीज़ को प्लीज़ 8-10 मिनट से ज़्यादा नहीं बेक करते हैं, उससे क्या होगा, बहुत हार्ड हो जाएंगी। और आप वेट नहीं करिएगा कि पूरी की पूरी सेट हो जाए उसके बाद निकालते हैं अवन में से, जब आपको लगे कि साइडों में से हो गई है, बीच में से अभी भी कच्ची सी है, ऐसे हिल रही है, तो उस वक्त निकाल के जाली पे रख दीजिएगा, जाली पे खुद ही वो ठंडी हो जाएंगी और सेट हो जाएंगी, ठीक है। और आप इसमें फिर कोई भी चीज़ डाल सकते हैं, चॉकलेट चिप्स, नट्स, ये हमने चोकोफोर डाला था आज। बालसामिक ड्रमस्टिक्स, दिस लवली सॉस, रोज़मेरी का बहुत अच्छा इसमें टेस्ट और फ्लेवर आता है। आप इस सॉस को इतना पकाएं कि वो रिड्यूस हो जाए, चिकन अगर हो जाए ना जल्दी तो चिकन को पहले निकाल दीजिएगा किसी भी बोल में, ताकि चिकन ओवर पके 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 नहीं, चिकन को निकाल दीजिएगा और ये सॉस को खूब पकाइएगा ताकि वो कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए और इसमें अच्छा सा ग्लेज हो जाए। आप इसको मैरिनेट करके फिर सीखों पर लगा के वो भी कर सकते हैं, बारबेक्यू भी कर सकते हैं। अगर आप बोनलेस से करना चाहें बोनलेस से कर लीजिए, चिकन ब्रेस्ट से करना चाहें, लेकिन हड्डियों वाली चिकन मुझे बहुत पसंद है, बिकॉज वी हैव ग्रोन अप ईटिंग हड्डियों वाली चिकन। आजकल के तो बच्चे ही बोनलेस हैं, मैं तो उनको बोलती हूँ कि आप लोगों को तो हर चीज़ ही बोनलेस ही चाहिए होती है, बस निकाल के दो हड्डियों पर से, बस हम जल्दी जल्दी खा लें, तो बच्चों को इतनी एफर्ट ही नहीं करनी कि वो हड्डियों पर से चीज़ें निकाल के खाएं। मेरे बच्चे ही ऐसे हैं कि सबके बच्चे ऐसे हैं, मुझे लगता है सबके बच्चे ऐसे हैं, और मोस्ट बच्चे ऐसे हैं आई थिंक, उनको हर चीज़ बोनलेस चाहिए होती है, बिकॉज बोनलेस चिकन हमारे ज़माने में नहीं थी, वैसे मिलती नहीं थी। चले इसको बस बंद कर देते हैं, रेसिपी रिकैप की तरफ भी चलते हैं, और आप कहीं मत जाइएगा, आज की तीनों रेसिपीज़ में से कुछ भी आपने मिस आउट कर दिया हो तो उसमें नोट कर लीजिएगा अपनी डायरी में, और मेरे साथ रहिएगा, अभी हम प्रेजेंटेशन भी करेंगे। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग फूड डायरीज़। बॉल्सामिक ड्रमस्टिक्स, अच्छा चिकन ड्रमस्टिक्स 1/2 किलो, बॉल्सामिक विनेगर 1/2 कप, शहद 1/2 कप, ब्राउन शुगर 1/2 कप, सोया सॉस 1/4 कप, रोजमेरी खाने के चमचा, लहसुन 5 चवे, तिल 2 खाने के चमचे, कटे पार्सली 1/4 कप। तरकीब, एक पैन में बॉल्सामिक विनेगर, शहद, ब्राउन शुगर, सोया सॉस, रोजमेरी और लहसुन के चवे डालकर शहद और ब्राउन शुगर पिघलने तक पकाएं। अब इसमें चिकन ड्रमस्टिक्स शामिल करें और 2 घंटे फ्रिज में रख दें, फिर चिकन को फ्राई करके निकाल लें। उसके बाद मैरिनेशन के बैटर को 15 मिनट धीमी आंच पर पकाएं और रख दें। उसके बाद इस बैटर को ड्रमस्टिक्स पर ब्रश करें और सर्विंग प्लेटर में निकाल लें। आखिर में इस पर कटे पार्सले और तिल छिड़क कर पेश करें। कुकीज़, अज्जा चॉकलेट कैंडीज 1.5 कप, मक्खन 1 कप, ब्राउन शुगर 1/2 कप, वनीला एसेंस 2 चाय के चमचे, अंडे 2 अदद, मैदा 2 1/4 कप, नमक 1/4 चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर 1/2 चाय का चमचा। फिर की मक्खन और ब्राउन शुगर को फेंट कर क्रीमी कर लें। अब इसमें वनीला और अंडे शामिल कर लें, फिर इसे मैदा, बेकिंग पाउडर और नमक में फोल्ड कर लें। उसके बाद खाने के चमचे की मदद से चिकनी बेकिंग शीट पर डालें और इसे चपटा कर लें। अब इस पर चॉकलेट कैंडीज डालकर हाथ की मदद से दबाएं और 8 से 9 मिनट 190 डिग्री गर्म अवन में बेक करके सर्व करें। चॉकलेट आमंड क्लस्टर्स, अच्छा सेमी स्वीट चॉकलेट 8 औंस, बादाम रोस्टेड सॉल्टेड 1/2 कप। तरकीब, सेमी स्वीट चॉकलेट को पिघला लें, अब इसे रोस्ट किए सॉल्टेड बादाम में मिक्स करके चमचा चलाएं, फिर मिनी मफिन कप में 1 खाने का चमचा बादाम और चॉकलेट का मिक्सचर डालें और 20 मिनट फ्रीजर में रखें और सर्व करें। जी वेलकम बैक। इसमें आपने थोड़ा सा धनिया अंदर डालना है और थोड़ा सा तिल जो है
वो भी अंदर जाएगा और थोड़ा सा ऊपर से, ठीक है. देन ऑल यू डू इज़ मिक्स एवरीथिंग टुगेदर. और देखें ये सॉस जो है इतना रिड्यूस मैंने किया है, लेकिन और भी आपके पास टाइम हो तो आप इसको और भी रिड्यूस कर सकते हैं. तो आइडिया इज़ के स्टिक करने चाहिए बालसामिक सॉस ये ड्रम स्टिक्स के ऊपर, ठीक है. सो आप ये कर लीजिएगा, बनाइएगा, ट्राई करिएगा रेसिपीज़ और हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा. थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा ये लगेगा बिकॉज ऑफ द शहद. अच्छा, जो कुकीज़ हमने बनाए थे चोकोफो के साथ और जो हमने आज आमंड चॉकलेट क्लस्टर्स बनाए थे वो भी रेडी हैं. उसको भी ट्राई करिएगा, बनाइएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा. अभी कुछ भी मिस आउट हो जाए तो रात में देख लीजिएगा, 10:30 से 11:30 हमारा शो रिपीट में होता है. और ये भी याद रखिएगा कि हमारी सारी रेसिपीज़ अप टू डेट हैं, अपडेटेड हैं ऑल्सो ऑन आर पेज थैंक्स टू माई हार्ड वर्किंग टीम. और उसके अलावा मैं ये भी बताना चाह रही थी और क्या यार मुझे याद आ रहा था, हाँ, रिदा आज फिश का सालन और एक साग बनाने वाली हैं, उनका शो भी ज़रूर देखिएगा. और सैटरडे संडे कौन कौन आ रहा है हमसे मिलने, मसाला फैमिली फेस्टिवल एक्सपो सेंटर कराची आइएगा, मुलाकात करिएगा और हम सब वहाँ लाइव कुकिंग भी करेंगे, हम सब वहाँ होंगे. और उसके अलावा वहाँ बहुत सारे अच्छे अच्छे हम प्राइजेज़ और गिफ्ट्स लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए. अंदर एक्टिविटीज़ बहुत सारी प्लान की हुई हैं हमने हॉल्स में, और बाहर हम लाइव कुकिंग करेंगे, ठीक है. सबके अलग अलग टाइम होंगे, दोपहर शाम में हम सब वहाँ होंगे. वैसे आप 10-11 बजे सुबह से आ सकते हैं, रात को 10 बजे फिर जब हमारा फेस्टिवल ख़त्म हो जाता है उसके बाद कॉन्सर्ट भी है वहाँ, ठीक है. तो मिस नहीं करिएगा. और एड्स चल रही हैं और बच्चों का बहुत बड़ा प्ले एरिया भी वहाँ होगा एंड लॉट्स ऑफ मज़ेदार चीज़ें. 15-16 फरवरी ये सैटरडे संडे हफ्ता इतवार एक्सपो सेंटर कराची. आपने सुना नहीं, मैंने बोल दिया. अच्छा ठीक है, चले ये यहाँ रख देते हैं. आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा और आप मुझे भी फीडबैक दीजिएगा. रात में हमारा शो 10:30 से 11:30 रिपीट होगा. तो चलिए अब दीजिए मुझे और टीम को इजाज़त. जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा. खुदा हाफिज़. मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब का चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़.